जंगल के अंदर और पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे काफी सारा जानवर भी देखने को मिलता है। सनसेट वाला व्यू तो देख ही सकते हैं, काफी मस्त लग रहा है देखने में। पहाड़ के लास्ट में पहुँच चुके हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ भी देखते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम जाने वाले हैं हरदीहर, जो कि जंगल में है। ये पहली बार ही जा रहे हैं, तो बाइक से जा रहे हैं। यहाँ से दूरी कुछ आधी घंटा का दूरी होगा। ये कुछ रास्ता है, देख सकते हैं, इधर ही गांव की तरफ से जाना पड़ता है। वो है तो एकदम जंगल में, बाइक भी पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे जितना दूर जा सके हम लोग बाइक से कोशिश करेंगे जाने का। तो चलिए आपको दिखाते हैं, जैसा भी होगा वो भी होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। यहाँ पे ऑटो में जो है मसाले का बिक्री किया जा रहा है, जो कि गांव में घर घर के पास जाके ये सर्विस दे रहा है, जो कि काफी अच्छा है। तो ये देख सकते हैं, ये जंगल का रास्ता है। इसी तरह रास्ता ये बनाया गया है अंदर की तरफ से। रोड इधर नहीं है, रोड एंड हो गया, उधर ही गांव के पास ही रोड था। और अभी हम लोग जंगल में एंट्री कर चुके हैं। तो इधर का रास्ता जो है काफी खराब है, तो बाइक से काफी मुश्किल है, क्योंकि देख सकते हैं रास्ता कैसा है। और ये है जंगल का रास्ता, तो हम लोग थोड़ा सा पैदल ही जा रहे हैं। इधर हम लोग ज़्यादा लोड थे, 2-3 जन थे बाइक पे, तो इतना जन तो मिस्टेक हो सकता है कहीं भी, क्योंकि गड्ढा उड्ढा भी है काफी जगह। और बाकी ये देख सकते हैं जंगल है पूरा। बेसिकली ये पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो वो भी तो आपको दिखाने वाला है, क्योंकि ये झरना जो है वो पहाड़ के से ही वो निकलता है पानी, और वो जो पानी होता है वो काफी शुद्ध होता है। 150-200 फीट ऊपर से पानी गिरता है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ के जो अगल बगल के रहने वाले हैं। ये जो सामने जा रहे हैं, इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ये बगल में ही इनका गाँव है, तो इनको भी साथ में लेके जा रहे हैं, जो हम लोग को घुमा दे थोड़ा अच्छी तरह से। और कितना दूर है पहाड़ जाए, देख रहा है ना? हाँ, ये पहाड़ लास्ट में। अच्छा, ये पहाड़ के लास्ट में है, जैसे कि बोले। तो इन लोग का तो रोज का आना जाना इधर का रहता है, बट हम लोग तो कभी काल ही आते हैं। तो बोतल देखिए ले लिए हैं बहुत सारा, क्योंकि वहाँ का झरना का पानी भी लाना है। तो बाइक को देख सकते हैं यहीं पे रख दिए, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है जाने का, तो बाइक हम लोग वहीं छोड़ दिए हैं, पर हम लोग चल दिए हैं पैदल अब। और एक बात, जंगल में पंछी काफी सारा रहते हैं, तो उसका आवाज भी आप सुन सकते हैं। थोड़ा शांत रहिए, देखिए आवाज सुनाई देगा। ये जो हरदी झरना है, ये काफी पॉपुलर है। बेसिकली ये कोलकाता से काफी जन आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। इन मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, जो घूमने का टाइम होता है, उस समय काफी जन आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। हाँ, तो देख सकते हैं ये हम लोग जंगल के अंदर और पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। देख सकते हैं सामने पहाड़ आ चुका हम लोग के। तो यहाँ पे रास्ते तो जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो जब भी घूमने आए आप लोग, तो किसी लोकल्स का सहारा जरूर ले लें, तो लोग आपको गाइड कर देंगे। तो उसी तरह आइएगा, अकेले तो नहीं आ पाइएगा, क्योंकि देख सकते हैं पूरा पहाड़ों के ऊपर और जंगलों के बीच से ये जाता है रास्ता, तो काफी डेंजर होता है। देख सकते हैं पूरा खाई खाई है चारों तरफ, और ये सब देख सकते हैं जो कांटा वाला पेड़ है सारा, ये जहाँ तहाँ से कुछ भी निकला हुआ है। मान के चलिए हम लोग पहाड़ के जो साइड से गुजर रहे हैं, देख सकते हैं ये पहाड़ है, इस साइड पहाड़ है, और पहाड़ इस साइड देखिए खाई है। बीच से हम लोग का जो रास्ता है, उसी रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ पे काफी सारा जानवर भी देखने को मिलता है, जैसे कि जंगली मुर्गी हो गया, खरगोश हो गया, और पिग होता है, जो कि जंगली होता है, वो काफी डेंजर होता है। और देख सकते हैं पूरे जंगल है पूरा, देख सकते हैं पूरा पहाड़ है, यहाँ पे आदमी तो मिलेगा नहीं आपको, अगर आप फंस गए तो काफी डेंजर है, इसलिए आप लोकल का सहारा लेके ही आए यहाँ पे। तो चलिए और अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब खाली पंछी का आवाज आ रहा है, और अगर हम बोल रहे हैं तो मेरा ही बस आवाज आ रहा है, और किसी का आवाज नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं जंगल में, तो आवाज आएगा कहाँ। सनसेट वाला व्यू तो देख ही सकते हैं, काफी मस्त लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे इस पहाड़ों के बीच में ऐसे बेसिकली 3 झरना है,
जिसको कि छोटकी झरना, आमा झरना और हल्दी झरना। और एक बात, यहाँ पे शिकारी लोग भी आता है शिकार करने के लिए, जो कि जैसे कि आपको बताया यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी रहता है, तो वो सबको शिकार करने के लिए यहाँ पे शिकारी लोग भी आता रहता है। और देख सकते हैं ये पिकनिक भी यहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ चूल्हा देख सकते हैं, पत्थर का चूल्हा बनाया है, यहाँ पे आके पिकनिक भी मनाते हैं। और एक चीज यहाँ पे ना, गंदा देख सकते हैं काफी सारा कूड़ा वगैरह है, जो कि नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि घूमने के लिए आ रहे हैं आप लोग, एंजॉय कीजिए यहाँ पे आके, बट गंदगी ना फैलाए यहाँ पे। तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग हल्दी झरना पहुँच चुके हैं, और ये है व्यू कुछ यहाँ का, सनसेट हो रहा है और जंगल का नजारा तो देख ही सकते हैं आप, कितना प्यारा सा जंगल लग रहा देखने में। कोयल का आवाज सुन सकते हैं आप, कोयल का आवाज आ रहा है। और ये जो पानी आपको दिखाएं, ये देख ही सकते हैं, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ क्योंकि काफी ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, तो उन लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे आके वो लोग नहा भी सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। हम तो पहली बार आए, घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 किलोमीटर होगा, बट हम इससे पहले यहाँ कभी नहीं आए, हम पहली बार आए, जो कि काफी मजा आया, अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। तो चलिए आपको दिखाते हैं फाइनली झरना कहाँ पे है, तो झरना का आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे झरना से पानी आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये है झरना, ये काफी बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, बट ये जो स्पीड देख रहे हैं वाटर का, ये 365 डेज रहता है, और ये कभी कभी तेज भी रहता है, बट बंद कभी नहीं होता है। पता नहीं चल पाया है किस जगह से आता है ये पानी, बट ये आता रहता है। और ये देख सकते हैं जो पीछे की तरफ से जो पानी जमा हुआ है, ये ऐसे ही यही पानी जमा हुआ है, इसको पी के भी देखते हैं ये कैसा पानी है, इसको पीते हैं। ये पानी पीने के अगर टेस्ट की बात करें, तो ये का जो पानी का जो थिकनेस है वो थोड़ा ज्यादा है। अभी जैसे देख सकते हैं पानी तो पी लिए और काफी अच्छा लगा, काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है, क्योंकि इस पानी में काफी ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि पता ही होगा नेचुरली ये पहाड़ों से आता है पानी, जो कि काफी अच्छा है। और आप कोशिश करते हैं थोड़ा ऊपर जाने के भी कोशिश करते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। और तो चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है, तो आपको भी लेके चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं ऊपर की तरफ कैसा है, कितना दूर जावे ऊपर। तो ये देख सकते हैं ये पानी कहाँ से आ रहा है, पानी देख सकते हैं पूरा पत्थर में लग के पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। तो चलिए और ऊपर चलते हैं, और ऊपर भी कैसा रहता है वो आपको दिखाते हैं, कनेक्शन ठीक ले हे देखने। तो रास्ता देख सकते हैं कैसा है, जंगल के बीचों बीच में ये रास्ता है। तो अभी पता लगाते लगाते हम लोग पहाड़ के आधे पहाड़ तक आ चुके हैं, जो कि देख सकते हैं काफी ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे आके पता चला कि यहीं से पानी निकलता है, जो कि ये दिखाए आपको यहीं से। हम लोग चलते चलते कुछ दूर आके हम लोग रुक गए हैं, जो कि देख सकते हैं ये वो जगह देख सकते हैं, यहीं पे हम लोगों को लास्ट पता चला कि यहाँ से पानी आ रहा है, उसके बाद एंड तो हम लोग नहीं पता कर पाए, क्योंकि ये काफी अंदर से आता है ये पानी, मैप वगैरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पहाड़ के बीच में है, तो यहाँ पे मैप वगैरह तो काम करेगा नहीं, तो लोकल का सहारा लेके आए यहाँ पे। और गाड़ी ऐसे नहीं है पॉसिबल यहाँ अंदर तक आने का, तो गाड़ी कुछ दूर पे रहता है, और वहाँ से आपको वॉकिंग से आना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी नहीं है, जैसे 5 से 10 मिनट लगेगा, वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे आके थोड़ा एंजॉय वगैरह कर सकते हैं, या पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं। और अगर नहाने का शौकीन है वो, तो जैसे आपको बता ही दिए, पूल तो बना ही दिया, स्विमिंग पूल ही उसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आके आप नहा भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, ऐसे तो वीडियो के माध्यम से आप देख ही लिए होंगे, एंजॉय कर ही लिए होंगे, और अगर आप कभी आएंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे आके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाने का। और बस सिमुलतला के अगल बगल में कुछ और भी प्रसिद्ध जगह है घूमने का, तो कोशिश करेंगे वो सभी जगह आप लोग को दिखाने का। एक चीज काफी डरावना एक चीज यहाँ पे हम लोग देखे है, कि यहाँ पे कुछ देर बाद ना थोड़ा बहुत ना आवाज आ रहा है, मतलब से ब्लास्ट नहीं होता है उस तरह से, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा डर गए। लेकिन जिस लोकल को हम लोग लेके आए वो बताएं कि एक टाइप का एक फल होता है, ठीक है, वो जब पक जाता है ना तो वो फूटता है, जैसे कि उसमें जो दाना होता है वो निकलता है, तो वो जब फूटता है तब वो आवाज का। हम लोग सोचे क्या यहाँ पे क्या ऐसा हो गया कि कभी इस साइड से आ रहा है तो कभी इस साइड से आ रहा है, देखिये अभी आवाज आया। तो थोड़ी देर बाद यानी कि 2 मिनट 3 मिनट बाद ये आवाज आता है, तो हम लोग काफी ज्यादा डर गए। इतने बड़े जंगल में काफी सारा फल भी होता है, बट फल का नाम थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग नाम है सुनने को मिलेगा।
का, तो जानते हैं उनसे क्या क्या फल यहाँ पे मिलता है। क्या क्या फल रहता है सर, नाम बता दीजिए। केनुआ है। हाँ, और एक तो बेहचा है। हाँ, और एक तो है प्यार। प्यार सुने, नाम काफी यूनिक है, थोड़ा हल्का भी तो काफी इंटरेस्टिंग है, होता है इधर। दाल के दलिया है ना, 1000 रुपए किलो ले। तो अभी एक चीज जानने को मिला, ये बोल रहे हैं जो प्यार बोल रहे थे ना, तो उसका जो दाना होता है, जो दाल होता है, वो दाल काफी कॉस्टली होता है, यानी कि 1000 रुपया केजी ऐसे बोल रहे हैं ये, तो दाल का कीमत रहता है जो कि जंगल में मिलता है। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, काफी ज्यादा रात हो गया है, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो फाइनली हम लोग अपने गाँव पहुँच चुके हैं।